नमस्कार, मैं हूं विकी विकास। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मोस्ट इंडिया पका। आइए, आज हम स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर धीरेन जी का। हेलो हेलो तो कैसे हैं धीरेन जी आप? जी सर, बढ़िया सर, आप बताएं कैसे हैं आप? मैं भी अच्छा हूँ। जी सर, सबसे पहले आप हमारे ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताइए। हेलो, माय सेल्फ धीरेन कुमार नायक एंड आई एम फ्रॉम ओडिशा, और मैं इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूँ और पिछले काफ़ी लंबे टाइम से हूँ यहाँ पे, एंड जर्नी इज गोइंग ऑन। बहुत अच्छी बात है। तो धीरेन जी, आप एज ए डायरेक्टर, जी ऐसा कब लगा कि मुझे डायरेक्टर बनना चाहिए? देखिए, डायरेक्टर का जो जर्नी है मेरा, तो डायरेक्टर तो पहले मैं था नहीं। जब ये मैंने डिसाइड किया कि मतलब मुझे भी फिल्म बनाना चाहिए, तो ये स्टार्ट हुआ 2017-18 के बाद स्टार्ट हुआ। अच्छा, तो उससे पहले मैं एज ए राइटर था, तो मैं तब छोटे मोटे पोइट्रीज वगैरह लिखता था। उसके बाद धीरे धीरे कहानी मैंने कन्वर्ट किए, फिर धीरे लगा कि मुझे स्क्रिप्ट लिखना चाहिए। तो ये स्क्रिप्ट की जो जर्नी, इसके पीछे भी एक बहुत सुंदर कहानी है, तो वो कहानी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो वो फिल्म देखने गया था, एक फिल्म रॉय, तो वो फिल्म मुझे बहुत अच्छा लगा। सॉरी, अच्छा, माफ़ कर देंगे अगर मुझे कोई गलत हुआ तो वो फिल्म मैं गया था रणबीर कपूर का फैन बन के। ठीक है, जब वो फिल्म देख के मैं निकला वहाँ से, तो मैं अर्जुन रामपाल की फैन बन के निकला, क्योंकि वो फिल्म में एक मज़ेदार चीज़ ये था, उस फिल्म में अर्जुन रामपाल जो परफॉर्म कर रहे हैं एज अ राइटर, फिल्म मेकर के हिसाब से परफॉर्म कर रहे हैं, जो कहानी को इमेजिन कर रहे हैं उस इमेजिनेशन में रणबीर कपूर परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो इमेजिनेशन जो है ना, मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा। तो उसके बाद मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुआ एज ए फिल्म मेकर, एज अ राइटर, वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो मैंने उस टाइम स्क्रिप्ट राइटिंग को थोड़ा सीरियसली लेना चालू किया, फिर मेरा जो जर्नी बॉम्बे में स्टार्ट हुआ था उसको मैंने सीरियसली लेना चालू किया। देन आई स्टार्टेड राइटिंग द स्क्रिप्ट्स ओनली। अच्छा, मतलब आप डायरेक्टर के साथ साथ अच्छे स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। जी सर, अच्छा, मतलब आपने बहुत सारी कविताएं लिखी, बहुत सारी चीजें की। जी सर, जी सर, आपने बहुत अच्छा लगा कि आपके स्क्रिप्ट राइटर के बारे में भी हमें पता नहीं था, हमारे जी सर, ऑडियंस को पता नहीं था कि आप एक राइटर भी हैं। जी सर, अच्छा, तो जब आप बंबई आए, जी सर, तो बंबई में जो आपका स्ट्रगल है, जी सर, आप मतलब जो भी स्क्रिप्ट राइटिंग किए या एज ए डायरेक्शन में कैसे आए, तो आप अपना स्ट्रगल और आपकी जो ये जर्नी है, जी सर, क्या हमारे पब्लिक के साथ आप शेयर करें? डेफिनेटली सर, क्यों नहीं सर। तो जब मैं बॉम्बे पहली बार आया था, आई थिंक मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद 2017 बॉम्बे शिफ्ट हुआ था। उससे पहले मैं, जब मेरे कॉलेज भी चल रहा था भुवनेश्वर में, उस टाइम में बीच बीच में आया करता था मैं, लेकिन मैं कम्प्लीटली शिफ्ट 2017 में हुआ था। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे एक छोटे मोटे जॉब भी स्टार्ट किए थे, तो यहाँ पे काम भी कर रहा था मैं, उसी से सर्वाइविंग भी चल रहा था मेरा। उसके साथ साथ मैंने जो असिस्ट के लिए छोटे मोटे काम भी होना चालू किया, तो मुझे बीच बीच में असिस्ट के काम मिलते थे। छोटे मोटे टीवी सीरियल्स भी किए मैंने, एंड कुछ कुछ आर्ट्स भी किए मैंने, और फिल्म के भी छोटे मोटे कुछ छोटे मोटे कैरेक्टर्स वगैरह होते थे, फीचर कास्ट अदने चला जाता था। तो ये जो ऑब्जर्वेशन से के थ्रू ही चला, जो जितने भी मैंने काम सीखा है, वो डायरेक्शन का जितने भी काम है, मैंने ऑब्जर्वेशन करते करते ये चीज़ों को मैंने सीरियसली कन्वर्ट किया, और आज की डेट में ये सब छोटे मोटे जो भी अभी भी मिल रहा है करते जा रहा हूँ, कंटिन्यू कंटिन्यू है सर। मतलब बहुत बड़ी बात है, आपने कोई कोर्स नहीं किया, जी सर, बिल्कुल नहीं। लेकिन बस आप देख देख कर सारी चीजें सीखते रहे। ये जी सर, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जी सर, अच्छा, जैसे बंबई आए, बंबई आते आपको काम मिल गया या कैसा रहा है ये वाला? स्ट्रगल इतना खास नहीं, हमें इसको तो स्ट्रगल भी कहूँगा नहीं मैं, अच्छा, एक लाइफ की गिफ्ट है। अगर आपको आपके लाइफ में कुछ लिखा है तो आपको वो डेफिनेटली मिलेगा, एंड इसको मैं स्ट्रगल के हिसाब से नहीं बोलूँगा, इसको प्रोसेस के हिसाब से बोलूँगा। अब मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, जर्नी करते हो, हर मोमेंट में आपको कुछ ना कुछ लिखा है तो वो चीज़ें मिलता रहेगा। तो ये है जर्नी, इसको हम स्ट्रगल नहीं बोल सकते, एक प्रोसेस ही कह सकते हैं। तो मुझे पता था आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कल, मैं कुछ ना कुछ मिलते जाएंगे, करता रहूँगा, आगे भी सही बढ़ता बात रहूँगा। है। तो ये एक जर्नी के हिसाब से देख रहा हूँ, कभी भी इसको स्ट्रगल के हिसाब से नहीं देखूंगा। तो शुरू शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है सबको, मुझे भी वो चीज़ें हुआ था, मैंने भी झेला था, अभी भी कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है अभी भी इतना इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, बट टाइम टू टाइम सब कुछ ठीक होता ही जाएगा। बोलता नहीं कहावत, पिक्चर अभी बाकी है, वो भी होते रहेंगे, हो ही जाएगा। मतलब जिंदगी चल रही है और अच्छी हाँ होगी और जी, अच्छे काम मिलेंगे। अच्छा, जी सर, तो
हमारा जो है कि जब आप मुंबई आए जी तो कब, मतलब पहला प्रोजेक्ट ओके आपको ओके कब मिला और कैसे मिला ये आप बताइए। ओके सर, तो कम्प्लीटली आई थिंक 2014 तो आया था ना उस टाइम, लेकिन उस टाइम में मैं इतना कुछ काम नहीं था, तो बचपन से मुझे फिल्मों का शौक था। मैं बस घूम रहा था, शेड घूम रहा था, इधर जा रहा था, वो कर रहा था, सारे क्रू का भी काम किए मैंने। तो उस बीच में छोटे मोटे क्रू का आजन सेट पे गया, तो दैट वॉज द कट्टी बट्टी के टाइम, जो कि इमरान खान एंड कंगना रणावत की फिल्म आई थी। अच्छा हाँ, 2015 वो फिल्म चल रहा था, संक्रमण स्टूडियो गोरेगांव ईस्ट में चल रहा था। तो दैट वॉज माई फर्स्ट ऑन सेट जब हिंदी फिल्म की था, तो वहाँ पे मैं पहुँचा था। तो वहाँ पे मुझे माहौल अच्छा लगा, एंड द जर्नी वहाँ से स्टार्ट हो रहा है एज ए क्रू मेम्बर। तो वहाँ पे मैंने कुछ MTV का शोज़ भी वगैरह किए थे उस टाइम एज ए क्रू अच्छा मेम्बर। तो धीरे 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 काम की जो स्टार्टिंग वहीं से हुआ था कहीं ना कहीं। तो स्ट्रगलिंग वहाँ पे भी था, वह भी थोड़े बहुत धीरे 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 कंटिन्यू चल रहा है सर। स्ट्रगलिंग इसको नहीं बोल सकते, क्या है बोलेंगे इसको, सिंपल से एक लाइफ की छोटी मोटी गिफ्ट है। आपको जो मिल रहा है, आप खुशी से उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ में आप अप्लाई कर रहे हो, सीख रहे हो उनसे कुछ चीज़ें, कुछ आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो, तो ये सारे सीखने वाली चीज़ें हैं सर। सीखने को तो बहुत कुछ है जी इंडस्ट्री में, जी सर आप जितना मेहनत करेंगे जितना सीखेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। जी सर अच्छा ये आपको एज ए डायरेक्टर में जी सबसे अच्छे डायरेक्टर कौन लगते हैं? जी सर, बचपन से मैंने रोमांटिक फिल्म्स देखे हैं बहुत, सिर्फ ये झूठ नहीं बोलूँगा, मैडी हो गए, सिद्धार्थ हो गए फ्रॉम तमिल इंडस्ट्री, एंड मेरे जितने भी चहेते हैं सर, मैक्सिमम मेरे जो फंड रहे, मैं उड़ीसा से हूँ तो मेरी उड़िया फिल्म्स है, एंड बचपन में मैंने सिद्धार्थ, मैरी एंड बहुत सारे ऐसे तमिल एक्टर्स हैं जिनकी फिल्म्स आते थे टीवी में, उनकी फिल्म्स देखा करता था मैं, तो उनके फैन रहा हूँ, खास करके मैडी, जैसा रहना है तेरे दिल में, एंड यू नो लाइक ऐसे बहुत सारे फिल्म्स आते थे। इवन जेनेलिया डिसूजा भी उस टाइम में बहुत सुपरस्टार थी उस टाइम, तो बहुत लंबे टाइम से एक लव स्टोरी के साथ कनेक्शन है, तो उस काइंड ऑफ फिल्म मैंने देख के बड़ा हो। इवन मणिरत्नम की फिल्म गुरु हो, या फिर बहुत सारे ऐसे फिल्म्स आया करते थे उस टाइम भी, टेलीविजन में हो या फिर आई थिंक स्क्रीन में, आई थिंक पहली फिल्म आई थिंक मेरा भी वही था, गुरु ही था शायद। तो गुरु इज़ द फर्स्ट फिल्म ऑन थिएटर। तो आई थिंक 9 साल का, कुछ 12 साल का एक लड़का था जो मैं हूँ, वो जो मैंने थिएटर में वो फिल्म को एंजॉय किया था। जी सर, मतलब गुरु पहली फिल्म थी जो आपने थिएटर में हाँ जाकर थिएटर में देखा? देखा था सर। अच्छा जी सर, तो मेरे जो फोन कनेक्शन जो है ना लव स्टोरी के साथ बहुत पहले से ही है। रोमांटिक फिल्में बहुत पसंद है। जी सर अगर आपको फिल्में बनाने का मौका मिले कोई अच्छा तो आप रोमांटिक फिल्म करना चाहेंगे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, मैं आई कैन डू एवरीथिंग सर। मैं क्योंकि मैं राइटिंग कर रहा हूँ, मैं क्रिएशन कर रहा हूँ, तो अभी मेरे पर्सपेक्टिव भी चेंज हो चुका है। सिर्फ मैं रोमांटिक फिल्म बना के ऑडियंस को तो सिर्फ वो देना नहीं चाहूँगा। मेरे पास अभी देखा जाए तो जेन्युइनली बहुत काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है जो कि मैं बनाना चाहूँगा, क्राइम हो या फिर सस्पेंस हो, ड्रामा हो या कोई साइंस फिक्शन हो। मैक्सिमम मेरे रोमांटिक एंड साइंस फिक्शन का कॉम्बो हूँ मैं, तो वो चीज़ों पर बहुत ध्यान देता हूँ। इवन एक्शन फिल्में मुझे पसंद है, वो भी बनाता हूँ, वो भी लिख सकता हूँ, तो वो चीज़ है सर। अच्छा एज ए डायरेक्टर जी सर, तो एक एक्टर में आप सबसे पहले क्या देखते हैं? डेफिनेटली क्राफ्ट स्किल सर, अगर उनके अंदर वो काम करने की क्षमता है। आज के डेट में एक्टर इतना एफिशिएंस हो गए कि आप किसी को भी आप डाल सकते हो, कोई भी एक्टर बन सकता है, किसी के लिए बैरियर नहीं है। हाँ ऑब्वियसली अगर किसी चीज़ में थोड़ा डिमांड अलग आ जाता है, तो उस डिमांड में के हिसाब से हम पुट करते हैं। अगर स्क्रिप्ट की डिमांड ये है, इसमें प्रॉपर हैंडसम डार्क एंड गुड लुकिंग हीरो चाहिए, तो हीरो है। अगर इस फिल्म में ये कैरेक्टर में ये काइंड ऑफ हीरो है, तो देन कोई कैरेक्टर ही चाहिए होता है, तो उसी हिसाब से एक्टर भी चूज़ किया जाता है, तो वो कलेक्टिविटी वहाँ से होता है सर। अच्छा आपके मतलब आपके लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए भी जो थोड़ा यूनिक हो, जो मतलब हट के लगे कि मेरे मेरे लाइफ चल रही थी, मेरे लाइफ में अचानक ऐसा हो गया, ओके ऐसा जी कुछ? सर, तो फर्स्ट ब्रेक थ्रू ऑफ माय लाइफ, ब्रेक थ्रू की बात कर रहे हैं। सो आई एम कंप्लीटली लव अ बॉय। ओके, अच्छा बचपन से मुझे प्यार का बहुत भूत चढ़ा था। आई थिंक वो भी रह जो जर्नी में रह चुका है, वो सारे चीज़ें फंडामेंटल चीज़ें जितने जो है ना, लाइक फिल्म मेकर से पहले आप प्रॉपर लवर बन जाओ, आशिक के अपने अंदर ले लो जहन में, फिर बन जाओ एक्टर बनना है, डायरेक्टर बनना है, जो भी आर्टिस्ट बनना है, वो आर्टिस्ट बनने से पहले जो एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, वो सारी मेरी लाइफ में है। तो द तमाशा द आई थिंक 2015 में जब थिएटर में आया था, वो फिल्म को मैंने देखा, तो दैट फर्स्ट, तो रॉय, बिकॉज मैम ए फैन ऑफ रणबीर कपूर, तो मुझे लगा कि हाँ रॉय फिल्म ने मुझे कन्वर्ट किया एज अ राइटर। फिर जब तमाशा जब देखा थिएटर में, तो वो अपनी जिंदगी के मोड़ बदल दिया, मुझे लगा कि यार आई कैन डू समथिंग।
सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं जाऊंगा और अपनी लाइफ अपने हिसाब से जाऊंगा। ये कन्वर्जन जो है ना टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ में, तो ये मेरे लाइफ का एक ब्रेक थ्रू था। तब मैंने खुद को डिसाइड किया कि यार मुझे कहीं और लेके जाना है, ये मेरे लिए लाइफ नहीं बना है। तब मैं एक प्राइवेट जॉब करता था, मुझे याद है वो दिन। और प्राइवेट जॉब मतलब बहुत रहा है मैं, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, इतना भी खास कनेक्शन नहीं है। जो भी एक नॉर्मल लाइफ था, नॉर्मल लाइफ से एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना ब्रेक थ्रू लाइफ में जो होता है, बिकॉज ऑफ द तमाशा द फिल्म क्रेडिट जो जाता है उनको ही जाता है। तो थैंक्स टू इम्तियाज अली सर जो इन्होंने बनाया है, तो मुझे लगा कि हाँ आई कैन, मैं भी इस चीज़ें कर सकता हूँ कहीं ना कहीं। मुझे लगा कि ये कनेक्टिविटी जो है उन्होंने दिया है, डिलीवरी किया है मेरे लिए, ये स्पेशली मेरे लिए था। तो कुछ कुछ जगह पे मैंने जॉब भी छोड़ा था, इंटरेस्टिंग वे में छोड़ा था, कि मैंने जब बॉस से बात करा था, रिजाइन देने गया था एग्जैक्टली, तो फिल्मी वे मैंने दिया था। जैसे कि रणबीर कपूर जो एंडिंग सीन में बोल रहे हैं कि आप मुझे छोड़ रहे कि नहीं छोड़ रहे, जो एक्टिंग जो सीन कर रहे हैं ना, वो सेम टू सेम टू मैंने कॉपी करके उतार के दिया। सर बोले कि पागल हो, इसको निकाल दो, ऐसे भी हुआ है। क्योंकि वो जॉब छुड़ाना चाहता था मैं, तो इसलिए मैंने वो जॉब छोड़ा। देन फाइनली आई डिसाइडेड कि नहीं, यहाँ पे नहीं रहना है, आई शुड लीव दिस प्लेस, मुझे बॉम्बे जाना है। तो तब मैंने फाइनल डिसाइड किया 2017 को मैं यहाँ बैक पैक करके बॉम्बे आऊँ। दैट इज़ द सीन सर। अच्छा, मतलब ऐसा कुछ जैसे घर वालों का प्रेशर होता था कि कहाँ जा रहे हो, इस ये सब लाइन है, जो भी चीज़ें हैं जॉब करो, जैसे अपने सारे उधर होता है अधिकतर, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो या सरकारी नौकरी ले लो, तो ऐसा घर वालों का भी प्रेशर कुछ रहा? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे डाडा जो थे, आई थिंक 4-5 साल का था मैं, मुझे मुझे याद है, माँ बाप बायोस्कोपिंग करते थे, तीनों का ही काम करते थे। एंड इतना भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे घर में। एंड मम्मी का जो है ना, मम्मी हाउस वाइफ है और वो है इज़ गुड, लेकिन कभी भी इन चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं है मुझे, क्योंकि मैं एक प्रॉपरली बचपन से इंडिपेंडेंट हूँ, अपनी चीज़ों को लेके खुद ही डिसाइड करता हूँ क्या करना चाहिए। मुझे कोई रोक टोक नहीं है, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है, एंड आई एम हैप्पी विद दैट। मतलब घर वालों की तरफ से पूरा सपोर्ट है, काइंड ऑफ ऐसा कुछ नहीं है ये बहुत अच्छी बात जी। है। आजकल तो घर वालों की तरफ से अब थोड़ा सपोर्ट होने भी लगा है, जी लेकिन पहले तो नहीं होता था। जी सर। सच बताओ तो मेरे घर वालों को तो स्टार्टिंग में तो नहीं था कुछ। अच्छा, जैसे आप इम्तियाज अली जी के बारे में बताएं, जी कभी उनसे मिलना हो पाया है अभी तक? हाँ, एक शूट के दौरान मुलाकात हुई थी, तो अच्छा, या जस्ट मैजिकल थिंग्स, एक फैन मोमेंट था, बस देखा, जस्ट हेलो हाय सर, दैट्स इट, और कुछ नहीं था। तो अभी मैंने रिसेंटली कल ही एक शॉर्ट फिल्म देख रहा था, वो एक किसी एक ट्राइबल एरिया से कोई बच्चे कुछ 2-3 हज़ार खर्च करके छोटे एक वीडियो बनाए थे, ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो कि मेरे एक स्टोरी है उससे बहुत रिलेटेबल रहता है। एंड मुझे लगा कि यार बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये, तो मेरे साइंस फिक्शन को चोरी कर दी। मुझे लगा कि नहीं, चोरी नहीं, जैसे क्रैकिंग ऑफ सम सब्जेक्ट नो, अगर आप किसी को दिखाना चाहते हो आपके छोटे बजट में भी बहुत कुछ कर सकते हो। तो ये डिजिटल वर्ल्ड है और कहीं से भी कुछ भी क्लिक करके बड़े लोगों तक पहुँच सकते हो, तो ये एक जरिया है। हमारे पास एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, हम किसी कमर्शियल प्लेटफॉर्म की बात नहीं करें, हमारे पास फ्री यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जो कि एक बहुत बड़ा बिगेस्ट मतलब बिगेस्ट नेटवर्क है। और वहाँ पे अगर कोई प्रोडक्ट वहाँ पे डालते हो या फिर अपलोड करते हो, वो लोगों तक पहुँच सकते हो, दैट्स अ बहुत ईजी वे। तो आज के डेट में वही है, लोगों के पास किसी को सब्सक्रिप्शन नहीं होगा तो कोई बड़ा चैनल ओपन नहीं कर पाएंगे, लेकिन यूट्यूब आपके लिए फ्री छोड़ता है। आप अगर कंटेंट अपने आइडिया पहुंचाना चाहते हो, स्टोरी पहुंचाना चाहते हो, या छोटे फिल्म बना के 2-3 हज़ार खर्च करके, तो आप बड़े लोग तक पहुंचा सकते हो। एक प्लेटफॉर्म आपको दिया गया है, तो आपके आज के डेट में ईजी है, हर कोई हर जगह से कहीं से भी कुछ भी बना के ऑडियंस तक पहुंचा सकता है। दिस इज द वे नाउ। बस आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि मुझे कुछ हाँ करना है, हाँ डेफिनेटली, कुछ कर रहा है उसके थोड़ा लिए सा आपको। कॉन्फिडेंस डालना है बिल्कुल बस, बिल्कुल, और कुछ भी कर सकते हैं आप। क्योंकि अब ये जरूरी नहीं है कि मुंबई आके हम पूरा भटके काम की तलाश कर रहे हैं। अब यूट्यूब एक ऐसा बन चुका है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो उस टैलेंट को आप यूट्यूब पे जाहिर कर सकते हैं। ठीक है, वो भी पॉइंट ठीक है, लेकिन आप जो मुंबई की बात कर रहे हो, मुंबई आना जरूरी नहीं है, आना जरूरी है। हाँ इस टॉपिक में भी बात करना चाहूँगा कि बहुत सारे यूथ्स बॉम्बे आना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं भी आना चाहते। द पॉइंट इज, बॉम्बे आना नहीं आना वो अलग मैटर है, अगर कुछ बनाना है तो आप कहीं से भी बना सकते हो। बॉम्बे आने का मतलब ये होता है कि जब एक कमर्शियल मार्केट ही है, पर्टिकुलर यहाँ पे इंडियन मार्केट की बिजनेस किया जाता है, जब कोई बॉम्बे चूज करता है इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे कमर्शियल चीज़ें को प्रेजेंट किया जाएगा, चाहे वो एज एन एक्टर हो या फिर चाहे वो फिल्म मेकर हो या डायरेक्टर हो, कुछ बना के एक कमर्शियल चीज़ों के लिए वो खुद को प्रेजेंट करें, तो इसीलिए बॉम्बे चुना जाता है। अदरवाइज अगर कंटेंट ही बनाना है, कॉन्सेप्ट बनाना है, स्टोरी बनाना है, आप कहीं से भी बन बट के आप
कुछ भी कुछ बना सकते हैं। ये एक एक क्या बोलता ना, इसमें इसकी चीज़ों में इतना भटकना नहीं चाहिए। आपको बनाना है बना दीजिए, अगर कॉन्सेप्ट अगर कमर्शियली लाना है देन यू हैव टू कम बॉम्बे, यहाँ पे कुछ कर सकते हैं आप। इट इज दैट, ये तो कोई जो दिल्ली में बैठ के भी फिल्म बना सकता है, आसाम बैठ के बना सकता है, कहीं भी बना सकता है। वो तो है जी अच्छा धीरेन जी, एक और चीज़ है कि जो राइटर या डायरेक्टर बनना चाहते हैं जी, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए जो बनना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, वो इन बनाया करेगा, क्योंकि आपके अंदर कुछ करने का वो पैशन है, तो आप कुछ करना चाहते हो देन कम फॉर इट ना, नो वडी विल स्टॉप यू फॉर ऑल दिस। तो पॉइंट ये है कि बस मैड, इसके लिए सिंपल सी बात है, अगर आप कुछ चीज़ें करना चाहते हो ना, एक प्रॉपर मैडनेस चाहिए इसका। आई थिंक बोल भी सकते हैं कि बहुत सारा सेक्रीफाइस करना भी पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को लेके एक कम्प्लीटली आपको एक एक लॉन्ली जर्नी है, लाइक आर्मी, इंडियन आर्मी मान लो, ये कोई फोर्स की जर्नी मान लो, या फिर कम्प्लीटली आपको ना लॉन्ग जर्नी पकड़ना पड़ेगा। समझा कि ये चीज़ें आपको बहुत सारे मिलेंगे, जो आप जिस चीज़ों को फॉलो करो ना, इसके पीछे बहुत सारे कुर्बानियाँ आपको देने भी पड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये नहीं कि सिर्फ बॉम्बे आना लग जाना, डायरेक्टर बनूंगा, आर्टिस्ट बनूंगा, नहीं वो तो नहीं बोल सकते, लेकिन आपके अंदर वो मैडनेस है, वो क्रेजीनेस है, फिल्म के प्रति प्यार है, कुछ करने की जज्बा है, देन कम फ्रॉम बॉम्बे। तो धीरेन जी जी, क्या मैं आपके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ श्योर, क्यों नहीं। तो आप अपने पर्सनल लाइफ के में अपने लव लाइफ के बारे में कुछ बताइए। ओके, देखिए इंसान हूँ, डेफिनेटली प्यार तो होगा कभी, बिल्कुल बिल्कुल हुआ भी है, झूठ नहीं बोलूँगा, उसकी वजह से ही कुछ ना कुछ करने का एक इंस्पिरेशन मिला है ना, आई एम हैप्पी दैट। बस वही है जो थी, अब बस उसकी फीलिंग्स है और कुछ इंस्पिरेशन मिल रहा है उनसे, दैट्स इट, वही चल रहा है, वो वही चीज़ें कहने की डिवाइन चीज़ें जो है ना, मुझे कनेक्ट करके लेके जा रहा है आगे तक, एंड आई एम हैप्पी विद दैट। क्या हुआ था, ब्रेकअप हो गया था या? ब्रेकअप नहीं, एक सर्टेन टाइम में आपको लगता है कि नहीं, अभी इंसान के हिसाब से हम एक दूसरे को, होता है ना अपने अंदर एक, नहीं यार हम ज़्यादा चीज़ों को नहीं ले पा रहे, क्योंकि लव जो है ना एक डिवाइन प्योर चीज़ है, हम इंसान उसको एफोर्ड नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में पर्सनल चीज़ें की वजह से वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं स्लोली चीज़ें अलग भी हो जाता चीज़। तो प्यार अलग होना ऐसा कुछ नहीं था, बस सिंपली सी वो अपनी डिसाइड कर ली कि मुझे एक प्रैक्टिकल लाइफ जीना है, देन सी वेंटेड आउट, देन मैंने सोचा कि हाँ आई शुड परस्यू माय करियर, तो मैंने भी ये चीज़ों को ये करके बॉम्बे शिफ्ट हो गया। तो कहने की ठीक है, एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट, अभी बस प्यार फीलिंग्स लव के सहारे कुछ चीज़ें करने को एक इंस्पिरेशन मिल रहा है, बस पर्स्यूइंग दोज थिंग्स, अदरवाइज लव लाइफ इज़ गुड। मैं तो हमेशा कहूँगा कि आप प्यार के सहारे कुछ कर सकते हैं, आई थिंक प्यार नहीं होगा तो आज एन आर्टिस्ट ये चीज़ें ना आपको एलिवेशन नहीं देगा, जब प्यार होगा तो आप कुछ करने का एक जज्बा क्रिएट होता है, सिर्फ प्यार ही काफ़ी नहीं है, उसके साथ आपके जो पर्सनल जो मैडनेस होता है ना, वो चीज़ें आपको प्रॉपर आर्टिस्ट के साथ कन्वर्ट कर देता है। तो आज डायरेक्टर भी आर्टिस्ट, आज डायरेक्टर मैं खुद को नहीं बोलूँगा, आज ना आर्टिस्ट खुद को बोलूँगा, तो चीज़ें जो कन्वर्ट हुआ है मेरे लाइफ में है ना, कि प्यार की एक 90% के एक हाथ उनमें है, विदाउट लव विदाउट द कंपेशन फॉर वट एवर जो भी हुआ है आर्टिस्ट कन्वर्ट में, जो प्रोसेस के थ्रू जो भी मुझे मिला है आर्टिस्ट कन्वर्ट होने में, वो सब उनसे ही मिला देखा जाए तो। और क्रेडिट उनको भी देना नहीं चाहूँगा कि मैंने भी नहीं किया, मैंने भी परफॉर्मेंस के लिए तैयारी की है, मैंने भी तैयारी करवा अपनी चीज़ों के लिए, अगर मैं प्यार पर घर बैठ जाता तो आर्टिस्ट नहीं बन पाता, तो चीज़ों को थोड़ा सीरियसली लिया कहने की, मुझे लगा कि हाँ अभी ये चीज़ें मुझे कन्वर्ट कर रहा है आर्टिस्ट के थ्रू, तो वो चीज़ें मेरे लाइफ में अप्लाई होता है, इट हैपेंड टू मी, सबको होता है, हो गया था मुझे। सही बात है, मतलब अब प्यार है सिर्फ करियर से जी, कुछ जी, करना है जी, ये बहुत अच्छी बात है। तो बहुत अच्छा लगा धीरेन जी आपसे मिलकर। थैंक यू, और आपसे मिलकर भी अच्छा लगा, एंड मैं बधाई देना चाहूँगा आपके चैनल के लिए स्टार्टेड हियर, और ऑडियंस से बोलूँगा कि आपके चैनल जो है मोस्ट इंडिया पकाओ सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, एंड ही इज़ अ गुड गाय, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच।